तो ब्रो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो ट्यूटोरियल है वो शुरू हो गया है। तो ये सबसे पहला यानी कि सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे एक एंड्रॉइड ऐप बनाना, वो भी विदाउट कोडिंग। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखेंगे एक चैटिंग ऐप बनाना, जैसे कि व्हाट्सएप की तरह। तो साथ में आप वहां पर गूगल एप्समो का ऐप डालकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। मेरा नाम है जॉन, आप देख रहे हैं माय टेक्निकल ज्ञान, लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको यहां पर आ जाना है जिस वेबसाइट का नाम है appgeezer.com, यानी कि ये एक ऐसा वेबसाइट है, यहां पर आप विदाउट कोडिंग आप ऐप बना सकते हैं और वहां से ढेर सारे पैसा भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कि लॉगिन आपको कर देना है, लॉगिन करना बहुत आसान है, आपको सिंपल सा कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल कर लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा जो आपके जीमेल अकाउंट आपको दिख जाएगा। तो ऑफिशियली हम लोग वही जीमेल से ही लॉगिन करेंगे, जैसे कि मेरा माई टेक्निकल ज्ञान, मेरा ये जो ऑफिशियल जीमेल अकाउंट है वहीं से लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको बहुत सारा प्लान यहाँ पर शो कर रहा है, आपके पास शो कर रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है, हम लोग सिंपल इसको क्रश कर देंगे क्योंकि हमको फ्री में बनाना है, फ्री में बहुत सारा पैसा कमाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुगेदर वी कैन मेक योर ऐप बेटर, यानी कि आप ये जो वेबसाइट, इससे मिलकर आप बढ़िया वेबसाइट बनाने के लिए ये लोग आपका फोन नंबर, आपका आपका नाम जानना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो अपने फोन नंबर और आपको यहाँ पर नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको यहाँ से क्रश करके इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है AppGeezer का जो वेबसाइट है वो फुल्ली यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है। तो जो भी करना है इसके अंदर करना है, फ्री में करना है, और फ्री में करते हुए आप अपना ऐप से बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज भाई एक लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत आसान है यहाँ पर ऐप बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लास 2 का बच्चे भी ऐप बना सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर कोई भी बंदा जो है एंड्रॉइड ऐप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, इतना आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो है एक चैटिंग ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो चैटिंग ऐप बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो क्रिएट ऐप पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो आपको ऑप्शंस होगा, जैसे कि बिजनेस और इंडिविजुअल, ठीक है। तो यानी कि दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, एक है बिजनेस का, यहां पर जो ग्रीन हो गया, अगर मैंने इंडिविजुअल पर क्लिक करा तो जो ग्रीन का जो आइकन है वो नीचे आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा बिजनेस से इंडिविजुअल पे आ जाना है, ठीक है। तो बिजनेस में बहुत सारा काम करना बाकी, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो एंड्रॉइड ऐप का जो ट्यूटोरियल है बहुत लंबा समय तक जाने वाला है, तो आपको बता दूं कि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप इंडिविजुअल पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको इसका जो इंटरफेस होगा ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्रिएट ऐप टू मोनिटाइज एंड जनरेट ऐप रेवेन्यू, यानी कि आप ऐप बनाकर आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि वेबसाइट हो गया, वीडियो कॉल एंड चैट हो गया, मैसेंजर विद कॉल चैट हो गया, बहुत सारा ऑप्शंस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाला है, हम लोग एक वीडियो चैटिंग ऐप यानी कि एक व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान है, ये जो अपडेट वर्जन यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो ये हम लोग एक बिगिनर यानी कि एक शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग एक सिंपल सा एक चैटिंग ऐप बनाएंगे यानी कि एक व्हाट्सएप की तरह। तो क्या करना है आपको, वीडियो कॉल्स एंड चैट पर क्लिक कर देना है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर एक दो जो सेटिंग्स है आपको करना है, उसके बाद आपका बन जाएगा एक एंड्रॉइड ऐप, ठीक है। तो वहां से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि टेम्पलेट जो डिस्क्रिप्शन है, देख सकते हैं कि जो हमारा टेम्पलेट का डिस्क्रिप्शन बहुत सारे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है। तो हम लोग कुछ भी नहीं करने वाला है, तो हमको सिंपल सा जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पर दो इमेज अटैच करने का जो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सबसे ऊपर में एक जो है ये लाइट थीम, यानी कि आप एक सफेद यानी कि थोड़ा सा लाइट थीम यहाँ पर, लाइट इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और नीचे में जो थोड़ा सा डार्क, ये दोनों आपको ये जो अटैच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास लाइट थीम नहीं है तो आपको गूगल सिंपल से ओपन कर लेना है उसके बगल में, उसके बाद में लाइट थीम करके
चैटिंग ऐप करके, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर दबा दिया। जैसे मैंने लाइट थीम फॉर चैटिंग ऐप ऐसा किया तो यहाँ पर बहुत सारा थीम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना सारा थीम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही यूज़ करेंगे ज़्यादातर, आपको एंड्रॉयड ऐप पर आप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो नीचे में भी बहुत सारा है, तो अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओपन कर दिया, उसके बाद में इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। सेव इमेज एज, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमको चाहिए एक डार्क इमेज, यानी कि एक, और उसके जो थोड़ा सा नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ डार्क थीम भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक जो कि थीम करके जैसे सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको दोनों थीम मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर डार्क थीम भी मिल गया, तो मैं इसको भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने जो लाइट थीम भी यहाँ पर डाउनलोड कर दिया और डार्क थीम भी डाउनलोड कर दिया। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर अटैच इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इमेज पर क्लिक कर लोगे तो आपका कंप्यूटर पे जो भी इमेज यहाँ पर शो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक जो कि लाइट थीम लिया था, यही है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इसको कुछ भी क्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे आपको। अगर आप करना चाहते तो यहाँ से ऐसे करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइट थीम को अटैच कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, डार्क थीम को भी अटैच करना है। आपको सिंपल से अटैच इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अटैच इमेज पर क्लिक कर लोगे तो फिर से वहाँ पर खुल जाएगा आपका जहाँ पर भी इमेज है, ठीक है। तो हमने डार्क इमेज जहाँ पर भी सेव हुआ है तो वहीं से हम लोग के लिए यही है। इसको हमने ऐसा करके यहाँ पर ओपन कर दिया और देख सकते हैं यहाँ पर जो कि डार्क इमेज भी आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ जो क्रॉप भी हो गया है। तो हम लोग सिंपल सा क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर में जो है लाइट थीम यहाँ पर लग गया और नीचे में जो है डार्क थीम यहाँ पर लग गया। उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर के यहाँ पर जो ऑप्शंस है आप यहाँ से भी कुछ चेंज कर सकते हैं, तो हम कैसे रहने देते हैं। उसके बाद में जो है कैमरा स्टिकर्स, यानी कि कैमरा के स्टिकर्स आप कैसा डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा गूगल पर ओपन करेंगे, उसके बाद में कैमरा ऐसे करके स्टिकर लिख देते हैं, STCKER स्टिकर, ठीक है। तो मैंने कैमरा स्टिकर यहाँ पर लिखकर सर्च कर देते हैं। तो जैसे भी इमेज मिलती है वही डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपल सा आपको ये जो डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करते होते हैं तो बहुत सारा जो कि कैमरा स्टिकर देखने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक जो कैमरा स्टिकर आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है अभी के लिए, जो कि बिगिनर के लिए, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव इमेज ऐसे कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद इसको फिर बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको जो कि कैमरा स्टिकर्स पे आ जाना है और ड्रॉप योर इमेज हियर भी कर सकते हैं, या तो आप सेलेक्ट योर इमेज, यानी कि आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट योर इमेज पर क्लिक करके जहाँ पर भी डाउनलोड हुआ है वहीं से हम लोग उठाएंगे, ठीक है। बहुत आसान में कुछ भी नहीं करना है, 2-4 स्टेप है आपको, वही आपको ले लेना है, ठीक है। तो हमने जहाँ पर डाउनलोड किया था वो तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद मेरा आँख थोड़ा कमज़ोर हो के यही वाला है। तो हमको यहाँ से इसको ओपन कर दिया। मैंने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि इमेज है हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे ही रहने देते, जो भी करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे तो आपका यहाँ पर जो है टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन हो गया, ऐप सेटिंग्स हो गया। तो नीचे में जो है आपको ऐप नेम लिखना है। तो आप ऐप का नेम क्या देना चाहते हो, आपका जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ये एक नाम है, वैसे ही आप अपना चैटिंग ऐप का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, WordsApp ऐसे कर देते हैं। एक नाम मैंने यहाँ पर दे दिया, WordsApp, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई बंदा अगर ऐसे देख ले तो उसको लगेगा कि हाँ ये WhatsApp जैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने WordsApp ऐसा लिख दिया। उसके बाद वो सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको आइकन का ऑप्शन होगा और आइकन में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन होगा, जैसे कि डिफॉल्ट आइकन और नीचे कस्टम आइकन। तो डिफॉल्ट आइकन में ऐसा कुछ खास नहीं होगा, तो इसलिए आपको जो है कस्टम आइकॉन पे सेलेक्ट करना है। और ये आइकॉन ये है कि जैसे कि व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते हो तो व्हाट्सएप कैसा दिखते, वैसे ही आपका जो है ये अपना जो ऐप
फोन पर इंस्टॉल होने के बाद कैसा शो करना चाहते, इसलिए जो आपका यहाँ पर अपलोड करना है और उसका जो साइज है वो 512x512 है, ठीक है, 512x512 होना चाहिए, वो एक करेक्ट साइज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपका जो एंड्रॉयड ऐप का जो आइकॉन है वो आपको वहाँ पर डाल देना है। तो आपको बता दूं उसका जो साइज है 512x512 है, तो 512x512 का कुछ भी हमने यहाँ पर सेट नहीं किया, तो आपको बता दूं कि 512x512 का कुछ भी यहाँ पर मेरे पास अभी जो इमेज मैंने नहीं बनाया, तो अगर आपको थोड़ा सा फोटोशॉप आते हैं तो वहाँ पर जाकर आप फ्रेम 512x512 का कुछ आइकॉन बना सकते हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक दो बार करने के बाद आप एक प्रोफेशनली एक ऐप आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर एक ठो यहाँ पर जो कि यूट्यूब न्यू करके, उसके बाद यहाँ पर लोगो में जाने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कि फर्स्ट में एक इमेज आप यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि MTG करके मेरा जो जितना भी यूट्यूब अकाउंट है वहाँ का लोगो है, तो उसका साइज भी 512 है, ठीक है। तो एक स्क्वायर साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज भी 512 है, तो ये मेरा एक्चुअल में ऐप के लिए नहीं है, ये मेरा यूट्यूब के जो लोगो के लिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए आपको सिखाने के लिए जो है यही ले लेते हैं 512x512 का, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फोटोशॉप ओपन करके उसका जो फ्रेम साइज है वो 512x512 कर देना, पिक्सल कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर उठा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कितना करेक्ट एकदम जो है एक इसके लिए बनाया है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा YouTube के लोगों के लिए है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर इसको ही यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चैटिंग ऐप थोड़ा अलग होना चाहिए, MTG लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका आइकॉन थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉप पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये लग गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट आप कर लोगे तो यहाँ पर देख सकते कि हमारा जो पूरा जो ग्रीन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो आपको सिंपल सा क्रिएट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको जैसे आप क्रिएट पर क्लिक कर लोगे तो कुछ वक्त यहाँ पर ले रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, कोई नहीं, लेकिन हम लोग आपको पूरा जो है सिस्टमेटिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ऊपर में जैसे कि वर्ड्स ऐप करके एक जो APK यहाँ पर तैयार हो गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये होने के बाद जो है आपको ये जो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर क्लिक करा तो देख सकते हैं कि आपका APK जो है आप मेल का थ्रू लेना चाहते या तो आप ये जो QR कोड करके आप लेना चाहते, कैसे करके आप डाउनलोड करना चाहते, ठीक है। तो हम लोग मेल की थ्रू भी नहीं चाहिए, ये QR कोड भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, और डाउनलोड डायरेक्टली, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी होगा फिर से डाउनलोड डायरेक्टली, यानी कि आप मेल की थ्रू भी नहीं चाहिए तो आप डाउनलोड डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे कि AB जैसे कि ऐप बिल्ड करके है, ठीक है, तो बहुत सारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा ये जो APK एंड्रॉइड पैकेज पर क्लिक कर देते हैं। मैंने APK एंड्रॉइड पैकेज पर क्लिक करा तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कुछ आपको सिखाएगा कि अपने फोन के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और कुछ सेकेंड में जो है आपका एंड्रॉइड जो चैटिंग ऐप है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो देख सकते 100% हो गया, और साथ में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज वेट 2 to 5 minutes, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 1 to 2 minutes के अंदर वो कंप्लीट हो गया, और नीचे में आप देख सकते हैं थोड़ा वेट करने के बाद कि वर्ड्स ऐप करके एक हमारा जो APK है, एक एप्लीकेशन है, वो नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर 2 minutes लेफ्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते कि अगर ये डाउनलोड होने के बाद अपने फोन में कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड्स ऐप, एक जो चैटिंग ऐप है, वो पूरा डाउनलोड हो गया है। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे शो इन फोल्डर पे आप क्लिक कर लोगे तो आपका APK जहाँ पर डाउनलोड हुआ है वहीं पर आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके आपको सेंड टू अपने मोबाइल फोन पे सेंड कर देना है। तो मैं मोबाइल फोन यहाँ पर कनेक्ट करके मोबाइल फोन पे सेंड कर देता हूँ। जैसे आप अपना APK फोन के अंदर आप डाल लोगे, उसके बाद में आपको सिंपल सा जाना है अपने फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद जो है आपको इंस्टॉलेशन APK पे जाना है, और उसके बाद में जो आप यहाँ पर जैसे कि इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आप दिख जाएगा,
तो यहाँ पर बहुत सारा जो आपके एपीके यहाँ पर होगा, तो मैंने यहाँ पर एक दो बार एपीके मैंने ट्राई करके यहाँ पर डाला हुआ है। तो हमने जो बनाया था वो था व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप की तरह एक ऐप बनाया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसको यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल करते समय आपको एक दो चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या है कि आपको जो है एक परमिशन आपको देना होगा। तो आपको अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो आपका जो एपीके जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होगा अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी परमिशन नहीं दिया क्योंकि मैंने पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा डन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सब बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ऐप है व्हाट्सएप वहाँ कहाँ पर इंस्टॉल हुआ था। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, व्हाट्सएप एक नाम करके। तो इसको ओपन करते हैं, जैसे ओपन किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि एक दो जो प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ टर्म्स है, हम लोग सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर जो कि अपने कॉन्टैक्ट है आप यहाँ पर लेना चाहते तो हाँ आप नॉट नाउ भी कर सकते, कंटिन्यू कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको अलाउ कर देते हैं दो चार फाइल जो एक्सेस करने के लिए बोल रहा है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर जैसे कि आपका चैटिंग ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद इंडिया ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो गया, तो अपना जो नंबर यहाँ पर डाल देना है, मैंने अपने यहाँ पर नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद आपको सिंपल सा ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो चैटिंग ऐप है वो पूरा प्रिपेयर होगा। वी नीड टू वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, ऐसा करके यहाँ पर पूछ रहे, तो हम तो ह्यूमन ही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैप्चा आपको डालना है, तो ये जो चिमनी करके एक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, चिमनी का मतलब ये है कि एक जो धुआं निकालते हैं ना घर से, वही जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लास्ट में जो मैंने राइट किया वो चिमनी है, ये चिमनी है, ये भी चिमनी है, ठीक है। तो ये एक धुआं निकालने वाला, जैसे कि लंदन में हमारे यहाँ पर जो सिक्किम में भी बहुत सारा ऐसा घर है जहाँ पर चिमनी धुआं निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, तीन तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ओके कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 6 डिजिट का एक कोड आपके फ़ोन पे आ रहा होगा, तो आपको सिंपल सा अपने फ़ोन देख लीजिए, आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा जो कोड वो आ गया है 7 4 3 7 4 0 ये है। उसके बाद ना आपका जो चैटिंग ऐप है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर ओपन होने के बाद कैसा शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपका सेट योर प्रोफाइल, आपका अपना प्रोफाइल सेट करना है जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जॉन लिख देते हैं, JOHN जॉन, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड नेम जो आपको यहाँ पर ऑप्शनल है, आप जो भी डालना चाहते डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप जो प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आप टेक अ फोटो भी कर सकते हैं या तो चूज फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो ले लिया है, तो आप यहाँ से कोई भी फोटो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपल सा राइट पर क्लिक कर देना ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो फोटो लग गया है, नीचे में जो है जॉन भुटिया मेरा नाम भी यहाँ पर लग गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर एक पिन क्रिएट करना होगा। तो पिन क्या है, एक्चुअली में एक पासवर्ड है। अगर कोई भी आपका नाम चेंज करना चाहते हैं, आपका जो कि सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो उसको पिन पता होना चाहिए, तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो आप यहाँ पर कोई भी पिन आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कि 4 डिजिट का एक पिन मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप भी 4 डिजिट का कुछ भी पिन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद में रीपिन, आपने जो भी पिन वहाँ पर डाला है, जो सबसे पहले 4 डिजिट वही यहाँ पर डाल देना है। तो हमने यहाँ पर फिर से वही पिन 4 नंबर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आपने विदाउट कोडिंग जो है आपको यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और बाकी आपको बता दूं कि कल हम सीखेंगे कि गूगल एटमो का अकाउंट बनाना, और साथ में जो है उस गूगल एटमो का जो एडवर्टाइजिंग एड है वो एड को हम लोग अपने ऐप पर डालकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो हमने जो अभी जो चैटिंग ऐप बनाई, ये टेलीग्राम से सेम टू सेम है। टेलीग्राम में जो लोग भी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में आप किसी को आप चैट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल से पेंसिल का आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना जो भी लोग है उसको आप ऐसे करके ओपन कर देना है। ओपन करके आप यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे करके हाई हेलो कुछ जो भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर अपना फोटो इमेज इमोजी जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई करके यहाँ पर एक चैट कर दिया है, तो अगर उसको ये दिखाई देते तो वहाँ से मुझे रिप्लाई भी आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ हमने सीखा
ऐप गीजर के अंदर एक चैटिंग ऐप कैसे बनाते हैं, तो कल हम सीखेंगे गूगल एटमो पर ऐट यूनिट क्रिएट करना, उसके बाद में वहाँ का जो भी ऐट है वो ऐट हम अपने एंड्रॉइड ऐप पर डालेंगे जो हमने ऐप गीजर के अंदर बनाए, और उस ऐप को हम दोस्तों के साथ शेयर करके पैसा कमाना सीखेंगे। ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।